अपमाद वग्गो कथा नंबर 24 2.4। ये जो कथा है, कहानी है, ये राजगृह की है। राजगृह को राजगीर भी बोलते हैं, राजगृह भी बोलते हैं। ये मगध जो प्रदेश है उसकी राजधानी है, राजगृह या राजगीर। और वहाँ की ये कथा है। कथा के जो नायक हैं उनका नाम है कुंभ घोषक। राजगीर में या राजगृह में एक बार बड़ी महामारी हो गई, वायरल डिसीज़ हो गई। चारों तरफ लोग बहुत तेज़ी से मरने लगे, जैसे अधिकतर वहाँ प्लेग फैला करता था। जब लोग मरने लगे तो वहाँ का जो नगर सेठ था, यानी जो नगर का सबसे बड़ा सेठ था, सेठी दंपत्ति, वो दोनों इसकी चपेट में आ गए। और उनको ये पता चल गया कि अब हम मरने वाले हैं, इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। उन दिनों कोई वायरल डिसीज़ का इलाज भी नहीं होता था। तो उन्होंने अपने पुत्र को, जो कुंभ घोषक है, उसको बुलाया और उसको समझाया, उसको कहा कि देखो, तुम अभी इस बीमारी की चपेट में लपेटे में नहीं आए हो, सुरक्षित हो। हम चूंकि लपेटे में आ गए हैं, हमारा मरना निश्चित है और हमने बहुत अधिक धन कमाया है जो उस जगह पर गड़ा हुआ रखा है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ बहुत अधिक धन है जो आपके जीवन भर और आपके पीढ़ियों तक ये काम आएगा, मगर अभी इसको उपयोग करने का, निकालने का समय नहीं है, क्योंकि सभी लोग राजगृह छोड़ के जा रहे हैं जो इस बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं। तो आप भी राजगृह को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। कुंभ घोषक बहुत समझदार था, बहुत सुशील था, सज्जन था, संयत था, बहुत बुद्धिमान था और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी था। उसने सारी वस्तु स्थिति का अवलोकन किया और अपने जो माँ बाप थे उनसे आज्ञा ले और राजगृह छोड़ के चला गया। उसके माँ बाप ने ये भी बताया कि बहुत सा समय बीत जाने के बाद यहाँ राजगृह में वापस आना, जब ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। वो जंगल में चला गया, राजगृह छोड़ के रहने लगा, मजदूरी करने लगा, फल खाने लगा अरण्य में। तो वहाँ रहते रहते उसे लगभग काफ़ी समय हो गया और वो छोटे से जवान हो गया। जवान होने के बाद उसने सोचा कि अब राजगृह में जाना चाहिए, तो वो वापस राजगृह आता है। राजगृह में राजा बिंबिसार का राज चल रहा है। वहाँ आने के बाद देखता है कि गाँव जो, जहाँ वो मोहल्ले में, जो राजगृह के जिस हिस्से में वो रहता था, वहाँ अब उसे कोई नहीं पहचानता। इस कारण से उसे बड़ी परेशानी हुई कि कोई मुझे जानता नहीं है कि मैं नगर सेठी का बेटा हूँ। तो उसने कहा कि अगर मैं धन सारा, सोचा उसने कि अगर मैं सारा धन निकाल के उसका उपयोग करूँगा तो लोग मुझे संशय की दृष्टि से देखेंगे, राजा के पास पकड़ के ले जाएंगे और मैं ये सिद्ध नहीं कर पाऊँगा कि ये धन मेरा है, और राजा सारा धन ले लेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है कि मैं कोई छोटा मोटा काम करूं और मैं कहीं कोई पहले यहाँ रहूं, लोगों में विश्वास प्राप्त करूं और स्थिति को देखूं। उसने वहाँ एक छोटी सी नौकरी कर ली। कुछ कहानियों में आता है कि उसने राजा के यहाँ, बिंबिसार के यहाँ नौकरी की। कुछ कहानियों में आता है कि उसने गांव में चौकीदारी शुरू करी। बहरहाल उसने काम शुरू किया, वहीं रहने लगा और वहीं रहते हुए उसने देखा कि उसका जो पैसा है वो सुरक्षित है या नहीं। पैसा उसका सुरक्षित था। एक समय राजा को प्रजा से टैक्स इकट्ठा करने का, रिवेन्यू इकट्ठा करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसे कोई बड़ा काम नगर में करना था, कोई बड़ा उत्सव जलसा करना था। सभी पे उसने टैक्स को इम्पोज किया, लगाया और सभी से टैक्स माना जो नगर में रहते थे। कुंभ घोषक को भी टैक्स देना था, तो उसने सोचा कि मैं खजाने से कुछ कासारपणन यानी मुद्राएँ निकाल के दे देता हूँ। उसने वो मुद्राएँ निकाल के राजा को दान में दे दी। दान में देने के बाद में राजा का थोड़ा सा, चूंकि बुद्धि में राजा बहुत तेज़ था, उसका दिमाग थोड़ा ठनका कि ये जो व्यक्ति है, इसका जो हाव भाव है वो आम मजदूर जैसे नहीं है, और इसका जो पैसा दिया है वो पैसा भी काफ़ी पुराना है, ये कहाँ से लेकर आया। उसने अपने जासूस वगैरह वहाँ लगाए और उसको पता चला कि इसके पास में काफ़ी पैसा है। उसने उसको पकड़ कर अपने पास बुला लिया और उससे पूछा कि बताइए पूरी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है। कुंभ घोषक ने अपनी सारी वस्तु स्थिति बताई और सारी सच्चाई बताने के बाद में उसने बताया कि ये मेरे पिता ने जो धन संपत्ति इकट्ठी की थी ये वही है,
बिम्बिसार चूंकि खुद भी बहुत ज्यादा विपस्सी था, उसने उसकी बात को परखा जांचा और उसको यकीन करने के बाद में सारा उसको धन वापस देने के बाद में उसको नगर सेठ की दोबारा से उपाधि दे दी और उसको अपनी एक पुत्री भी उससे शादी की। फिर एक बार वो उसको लेके भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास, भगवा के पास, सुगतों के पास, तथागत के पास गया और वहाँ जाके उसने सारी कथा बताई कैसे कैसे कुंभ घोषक ने कितने ध्यान से, कितने शुभ यानी सूची कर्म से, कितना संयास से, कितना स्मृति से सोचते हुए उसने अपने जीवन को काटा और अपने धन को और अपने आप को बचाया। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा वहाँ पे गई, जो गाथा नंबर अपमादवग्गो की 24 नंबर की यानी 2.4 अपमादवग्गो में आती है धम्मपद के अंदर। गाथा इस प्रकार है, उठान वतो सती मतो सुची कम्मस निसम करिनो उठान वतो सती मतो सुचि कम्मस निसम कारिनो संयतस चे धम्म जीविनो अपमतस यसो भिवड्डति। इसमें जो उठान वतो है, उठान वतो का मतलब है जो उत्थान करने वाला होता है, यानी अपने को उत्थान करने वाला या उद्योगशील करने वाला या अपनी मेहनत से ऊपर उठने वाला होता है। सती मतो का मतलब है, सती मतो का है जो स्मृति से आता है, यानी कि जो स्मृति में रहता है, सती में रह जाता है। सती जो आता है वो बहुत पॉजिटिव शब्द है जो विपश्यना के अंदर बार बार बताया जाता है। सती का मतलब है कि आपको समता में रहना है। समता में मतलब कि जब वो बहुत ज़्यादा परिवार उसका भरा पूरा था तब भी वो शांत था, समता में था। जब प्लेग की बीमारी फैली, महामारी फैली, वायरल डिसीज फैली, तब भी कुंभ घोषक समता में था। वो बहुत ज़्यादा व्यग्र नहीं था, उदास नहीं था, परेशान नहीं था। जब वो वापस आया तब उसने अपना धन देखा, तब भी वो खुशी से नहीं उछला, बहुत ज़्यादा स्मृति में रहा, समता में रहा, सती में रहा। और जब राजा ने उसको पकड़ा तब भी वो बहुत बिल्कुल शांत था, उसने कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं दी, वो बिल्कुल समता में था। और जब राजा ने अपनी लड़की की शादी की और भगवान बुद्ध के पास लेके गया, वो तब भी समता में था। यानी शुरू से लेके आखिर तक वो समता ही में रहा, समता उसका सबसे बड़ा बल था, तो वो सती मानो था। सुचि कमस्य, सुचि कमस्य का मतलब है, सुचि जो बोलते हैं पाली में, ये आज की जो भाषा है जिसको संस्कृत भाषा बोलते हैं उसमें इसको होता है शुभ कर्म। सुचि कर्म का मतलब है शुभ कर्म, यानी कि वो सुचि कर्म वाला था, अच्छे काम करने वाला था। निसम कारिनो, निसम का मतलब होता है सोच कर काम करने वाला। निसम माने सोच कर, देख कर काम करने वाला, यानी वो बहुत सोच कर देख कर काम करने वाला भी था। कुंभ घोषक की बात हो रही है। संयतस्य च, संयतस का मतलब है, संयम माने होता है संज्ञा और मेमोरी, यानी कि यह संयत जो अपनी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है उसको काम में लेके आता है और संयत भी रहता है, उसको संयतस्य बोलते हैं। चय माने, चय माने तो और होता ही है, बहुत सारी जगह आया है चय माने और, चय माने यदि होता है और चय माने और। धम्म जीविनो, धम्म जीवनी का मतलब है जो धम्म के अनुसार, प्राकृतिक चीज़ों के अनुसार अपनी जीविका चलाता है, जो वही काम करता है जो प्रकृति के हिसाब से ठीक काम है। जैसे आजीवी को होता है सम्यक आजीविका होता है, यानी अच्छी आजीविका, उसको धम्म जीविनो भी बोलते हैं, यानी धम्म के अनुसार जीवन जीने वाला, प्राकृतिक रूप से जीवन जीने वाला, अच्छे काम करने वाला। अपमतस्य, अपमतस्य, अपमतस्य का मतलब है जो अपमाद में रहता है, जो अपमाद में रहने वाला है, यानी कि वो कभी प्रमादी नहीं है, अपमाद में रहता है, हमेशा बिल्कुल अपने काम में लगा रहता है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाता। यसो भी वड्डति, यसो भी वड्डति, ये दो शब्द से मिलकर है, यस और अभिवड्डति। यस माने तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोरी, बहुत ज़्यादा जिसकी ख्याति होती है उसको यस बोलते हैं, और अभी माने होता है दोनों तरफ से, यानी कि उसका चारों तरफ जो
यश होता है और वड्डति माने होता है बढ़ता है, यानी ऐसे पुरुष का, ऐसी महिला का, ऐसे व्यक्ति का चारों तरफ यश बढ़ता है। ये गाथा इस प्रकार है, इसका सरलीकरण हम करेंगे कथाकर गाथा का जो भगवान बुद्ध ने कही है, तो ये सिंपल शब्दों में इस प्रकार है। जो उत्थानशील होता है, यानी जो उत्थानशील होता है, जो अपने आप को उठाता है, जो स्मृतिवान होता है, जो समता में रहता है, जो उद्योगशील होता है, जो संयम से काम लेता है, संयत से काम लेता है, जो धर्म के अनुसार काम करता है, जो बहुत सोचकर और समझकर काम करता है, जो जानकारी रखता है, जो संयम रखता है, जानकारी रखता है, ऐसे व्यक्ति का यश हमेशा बढ़ता है। ये इस कथा का सार है। और भी सरल शब्दों में अगर हम कहेंगे तो इस कथा का सीधा सा सरल सा मतलब है कि जो मेहनती है, जो उद्योगशील है, जो अपने आप को उठाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, आगे बढ़ने के लिए सोचता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करता है, जो धर्म के अनुसार काम करता है, जो सोच समझकर काम करता है, जो प्रमाद में नहीं रहता, यानी जो चोरी शराब जुआ व्यभिचार में नहीं रहता है, जो बहुत ज़्यादा जानकारी के अनुसार, संयम के अनुसार, संयत होकर काम करता है, ऐसे व्यक्तियों का जो यश है, जो ख्याति है, जो नाम है, वो दुनिया में चारों तरफ फैलता है। धन्यवाद।